SC Verma solution, chapter 31, capacitors, question number 25. Find the potential difference VA minus VB between the point A and B shown in each part of a diagram. Okay, तो अपने पास चार figure है, चारों के अंदर अपने को A और B के बीच में potential find करना है. ये A, B और यहाँ पे A और B ऐसे, और ऐसे A, B यहाँ पे और A, B यहाँ पे, ठीक है? तो start करते हैं. देखो, यहाँ पे अपने को A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम किरचॉप्स लॉ यूज़ करेंगे. किरचॉप्स लॉ क्या बोलता है? किरचॉप्स वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे. किरचॉप्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि किसी लूप के अंदर चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है. लूप के अंदर अगर पूरा घूम जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा. ओके, अपन इनका नाम दे देते हैं. जैसे मैं आर पी क्यू आर देता हूँ, पी क्यू आर एस इन पॉइंट का नाम देता हूँ. और मान लो 12 वोल्ट की बैटरी मान लो क्यू चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, तो ये क्यू चार्ज इधर जा रहा है और यहाँ मान लो Q डेस्क वन गया, तो यहाँ कितना जाएगा? Q माइनस क्यू वन जाएगा, राइट? इस तरह से ये चार्ज फ्लो कर रहा है और यहाँ पे कितना है? Q वन है, वापस यहाँ पे Q वन आएगा. ओके, तो यहाँ पे अपन किरचॉप्स वोल्टेज लो अप्लाई करते हैं. कहाँ से कहाँ तक? पी क्यू आर एस इस लूप में, वापस P पे पहुँच जाएंगे. पी क्यू आर एस पी के अंदर, तो हम ऐसे जा रहे हैं. तो ऐसे जा रहे हैं, पहले साइन बना देते हैं सबके. देखो, बैटरी का साइन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, ये माइनस है, ये प्लस है. और कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब आप जब लूप में जाओ, जो पहला साइन मिले वो साइन पुट कर देना है. तो यहाँ से मैं लूप में जाता हूँ, पोटेंशियल चेक करना है हर बार, ठीक है? तो पी से मैं स्टार्ट हुआ तो मेरे को माइनस 12 वोल्ट मिला, तो माइनस 12. ओके, अब जैसे ही मेरे को ये मिला, टू माइक्रोफेड का कैपेसिटर मिला, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. अब पहला साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो अपने को पॉजिटिव चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. चार्ज अपना क्यू है, कैपेसिटेंस अपना टू है. क्यू, हाँ, चार्ज अपना क्यू है. ओके, नेक्स्ट यहाँ आए आप, यहाँ आए तो साइन क्या मिला? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू वन. और कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफेड इज इक्वल टू, यहाँ वापस पी पे पहुँच गए, तो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल क्या गया? जीरो आ गया. ओके, तो इसको अपन फर्दर सोल्व करते हैं. 4 एलसीएम लेते हैं, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 48, ठीक है, माइनस 48 प्लस 2 क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू वन, राइट, इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3 क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू 48. ये इक्वेशन अपने काम की है, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब अपन चलते हैं एस आर ए बी एस ये पाथ पे, इस पाथ पे चलते हैं. तो सबसे पहले जाते हैं, माइनस साइन मिला, तो माइनस कितना पोटेंशियल? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू वन अपॉन 4, राइट. ओके, यहाँ पे आओ, पहला साइन क्या मिला? पॉजिटिव. पॉजिटिव और ये कितना है? चार्ज अपॉन क्यू वन बाई कैपेसिटेंस. फिर कौन सा साइन मिला? पॉजिटिव. चार्ज अपॉन चार्ज कितना है? क्यू वन और कैपेसिटेंस 4 इज इक्वल टू 0. 4 एलसीएम लेके 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा. तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? देखो, ये आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू वन प्लस टू क्यू वन प्लस क्यू वन इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 क्यू वन इज इक्वल टू क्यू, सही है? ओके, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना आया? देखो, 3 इंटू 4 क्यू वन माइनस क्यू वन इज इक्वल टू 48. तो ये कितना होगा? 12 माइनस 1 11, यानी 11 क्यू वन इज इक्वल टू 48. तो क्यू वन इज इक्वल टू आ गया 48 बाई 11. ओके, अब यहाँ पे अपने पास क्यू वन आ गया. अब इसका पोटेंशियल निकालना ए और बी का, यानी इस कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल निकालना है. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है अपने को? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी ए माइनस वी बी, यानी डेल्टा वी का फॉर्मूला अपन लिखते हैं क्यू इंटू क्यू बाई सी लिखते हैं, राइट, क्यू बाई सी लिखते हैं ना. ओके, क्यू कितना है यहाँ पे अपने पास? 48 बाई 11 और माइक्रो कूलम है, ये माइक्रो कूलम. और सी कितना है अपने पास? 4. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 1 और 2 बाई 11, यानी 12 बाई 11 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ए और बी के बीच में? 12 बाई 11 वोल्ट. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में ये 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है? तो यहाँ से मान लो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ये क्यू क्यू क्यू, तो
वापस किरचॉफ लॉ लगाओ पूरे के अंदर, पूरे लूप के अंदर। हम एक काम करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, ये बी है, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। तो हम बी सी डी ए, बी सी डी ए, और वापस बी पे पहुंच रहे हैं। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, तो स्टार्ट यहाँ से बी से किया, तो सबसे पहले -24 मिला, फिर मिला प्लस कितना, क्यूब बाई फोर, फिर कौन मिला, फिर प्लस मिला 12, फिर कौन मिला, प्लस मिला कितना, क्यू बाई प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ से अपने को मिला 12 इज इक्वल टू क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई टू, कितना होगा, क्यू बाई फोर प्लस ये आ जाएगा 3 क्यू बाई 4, राइट। यानी क्यू इज इक्वल टू आ गया मेरा 16 माइक्रो कूलम चार्ज। ओके, चार्ज आ गया यहाँ पे। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू कितना है 16 और सी कितना है 2, ये दोनों माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट, यानी आ जाएगा 8 वोल्ट, पोटेंशियल कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, बट ये दोनों बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ सिमेट्री की वजह से यहाँ से जो चार्ज इसने प्रोड्यूस किया, मान लो चार्ज क्यू प्रोड्यूस किया, तो चार्ज क्यू यहाँ फ्लो हुआ, और इसने भी चार्ज इसी डायरेक्शन में क्यू प्रोड्यूस किया, तो यहाँ से चार्ज इधर क्यों आया, इसका चार्ज इधर क्यों आया, तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो गया, 0, यानी इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, यानी चार्ज इसके अंदर फ्लो ही नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, यानी वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। आप किरचॉफ से भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में ये अपने पास 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो यहाँ से मान लो चार्ज अपन ने क्यू फ्लो करवाया, तो ये क्यू, तो मान लो इसके अंदर क्यू वन गया, इसके अंदर जाएगा कितना, क्यू में से क्यू वन चला गया था, क्यू माइनस क्यू वन। ओके, राइट, साइन लगा देते हैं सबका, ये अपना नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी का साइन तो सेम ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैपेसिटर का साइन चार्ज कहाँ से फ्लो कर रहा है उससे लगाते हैं, चार्ज एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव और लीव कर रहा है वो नेगेटिव। चलो ये साइन लग गया। ओके, अब यहाँ पे इनका नाम देते हैं ए, इस पार्ट का नाम दे देता हूँ मैं टी आर टी एस टी आर एस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ए टी बी, ए टी बी, सॉरी ए टी बी पे जाता हूँ मैं, कौन सा ए टी बी, अब मैं लूप पूरा लूप नहीं घूम रहा हूँ, सिर्फ ए टू बी जा रहा हूँ, पाथ क्या है टी के थ्रू। तो पोटेंशियल एट ए माइनस 24, फिर क्या आ रहा है प्लस क्यू बाई, क्या लिखते हैं अपन, क्यू बाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वी बी, राइट। यानी अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 24 माइनस क्यू, सही है। और वी ए माइनस वी बी को मैं एक्स लिख देता हूँ, क्या लिख दे अपन, एक बार चेक कर लेते हैं, सही कर रहे हैं, सही है। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस क्यू, एक्स किसको लिख रहे हैं अपन, वी ए माइनस वी बी को। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एक्स है। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन पाथ चलते हैं ए आर बी पे, ए से बी पे आर के थ्रू। तो वापस वी ए माइनस 12, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस क्या आएगा क्यू वन बाई टू इज इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी आया कितना, 12 प्लस क्यू वन बाई टू, सही है। ओके, तो ये आया देखो एक्स इज इक्वल टू 24 बाई क्यू वन बाई टू, यानी 2x इज इक्वल टू 24 प्लस क्यू वन, सही है। ये अपन इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ये अपना इक्वेशन 1 था। अब अपन चलते हैं पाथ ए एस डी बी पे, यानी एस के थ्रू चलते हैं ए एस बी। ओके, तो वापस वी ए माइनस 6 माइनस क्यू माइनस क्यू वन बाई 4 इज इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 प्लस क्यू माइनस क्यू वन बाई 4, राइट। यानी 4x इज इक्वल टू 24 प्लस क्यू माइनस क्यू वन, सही है। ये अपना इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए और बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से अगर हम क्यू वन एलिमिनेट कर दें और फिर क्यू की वैल्यू पुट कर दें अपन फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपना एक्स आ जाएगा, हमें एक्स ही फाइंड करना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3,
फ्रॉम 2 + 3 कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करता हूँ, तो 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो 2x + 4x कितना होगा, 6x। ओके 24 + 24 = 48 सही किया अपन ने, राइट। और ये बचा q और -q1 और +q1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखो q मेरे पास आ गया कितना, q इज इक्वल टू आ गया 6x - 48। इस q की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपनी, x 24 माइनस 6x + 48, यानी 6x इधर आएगा तो 7x, ये आ जाएगा अपने पास 7x, 7x और 48 + 24 कितना हो जाएगा, 12 1 6 7, राइट। तो x इज इक्वल टू आ गया 72/7, सही है, यानी ये आ जाएगा 10.3 वोल्ट। आंसर क्या आएगा, 10.3 वोल्ट।